हृदय में जिनके कृष्ण नाम बसा है, कृपा से जिनकी प्रेम धाम बसा है, चरणों में जिनके परमानंद मुकेशानंद महाराज मुकेशानंद। मानसून वर्षा राधे श्याम का मतलब श्याम किसे कहते हैं? श्याम बादल को कहा जाता है, कहते हैं श्यामा कलर, श्यामा रंग, श्याम बादल को बोलते हैं। और राधे क्या है? हाँ जी श्याम बादल, तो राधे क्या है? बरसाने वाली, उसको बरसाने वाली कहते हैं ना, तो वो कृपा है और हमारी किशोरी ही बरसा रही है। हम लोग बीमा करवाते हैं, बीमा, बीमा समझ दो सब लोग, परिवार की आर्थिक सुरक्षा के लिए अक्सर लोग बीमा करवाते हैं। और इसमें सारी उम्र पैसे देने होते हैं, बहुत से लोगों ने करवाया होगा। आर्थिक सुरक्षा के लिए परिवार की बीमा करवाते हैं और इसमें सारी उम्र पैसे देने होते हैं, और मरने के बाद लाभ किसे मिलता है? किसे? बोलिए, इतनी भी ठंडी नहीं है। किसे परिवार लाभ किसे मिलता है? परिवार वालों को। सारी जिंदगी पैसे भी दिए और लाभ परिवार वालों को, हमें क्या मिला? कुछ नहीं। आइए एक बीमा आज खुद के लिए करवाते हैं, और इस बीमे में कोई पैसा नहीं भरना। उस बीमे का नाम है सत्संग, भजन, बंदगी। और ये बीमे, एक खास बात, इस बीमे के ग्रंटर कौन है? अगर भाई आप बीमा करवाओगे, ग्रंटर के साइन होते हैं वहां पे। इस बीमे के ग्रंटर हमारे खुद ठाकुर जी हैं। और जैसे साथ छुट्टी उसी समय लाभ शुरू। असली बीमा ये है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के। अरे बाकी की जो बीमे हैं वो जिंदगी के बाद परिवार वालों को मिलेंगे, आपको कहां मिलेंगे बताओ? ये बीमा जो आज हम करवाने आए हैं, ये साथ छूटने के बाद भी हमें लाभ पहुंचाएगा, खुद ठाकुर जी लेने आएंगे। चेहरे की हंसी से सब गम भुला दो, मुस्कुराया करो थोड़ा। वो सुबह सुबह गार्डन में जाकर ना वो योग करते हैं, योगा करते हैं, वो योगा के समय जोर जोर से मुस्कुराते हैं, है ना? हा, वो रावण वाली हंसी, असली स्माइल कहां गई जो नाभि से उठती थी, वो कहां है? मुस्कुराया करो, चेहरे की हंसी से हर गम को भुला दो, कम बोलो और सब कुछ बता दो। कम बोलो, काम का बोलो। चेहरे की हंसी से हर गम भुला दो, कम बोलो और सब कुछ बता दो। खुद मत्र उठो और दूसरों को मना लो, खुद मत्र उठो और दूसरों को मना लो, यही राज है जिंदगी का। खुद भी जी लो और दूसरों को जीना सिखा दो। खुल के जियो, किस बात की चिंता? सुबह से लेके शाम तक चिंता, ये होगा वो होगा, क्या होगा? एक ही काम होगा, क्या? 200-300 किलो लकड़ी, आधा किलो देसी घी, एक माचिस की तीली, खेल खत्म, है ना? पता है सबको? पता तो है, लेकिन यहीं पर पता है, बाहर जाते कुछ और ही शुरू हो जाएगा। सत्संग का मतलब क्या है? दूध, दूध उपयोगी है, हर घर में दूध आता है ना, दूध उपयोगी है, लेकिन एक ही दिन में खराब हो जाता है ना? सत्संग में महात्मा संत क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, दूध उपयोगी है लेकिन एक ही दिन में खराब हो जाता है, फिर दूध का दही बना दो,
दही भी चाहिए लेकिन वो दो दिन में खराब हो जाता है, इससे ज्यादा नहीं टिकने वाला। अब दही का मंथन करो, कर लिया, अब क्या बना बोलिए? माखन, माखन, माखन। ये 3 दिन में खराब हो जाता है, इससे ज्यादा ये भी नहीं चलने वाला। दूध 1 दिन में खराब होगा, दही 2 दिन में खराब हो जाएगा, माखन 3 दिन में खराब हो जाएगा। अब माखन को तपाओ, गर्म करो, क्या बनेगा? कितने दिन में खराब होगा? माखन को गर्म करो, घी आएगा, वो कभी खराब? पैदा तो दूध से ही हुआ ना। यही काम है महात्माओं का, हम दूध हैं, महात्मा हमें तपा तपा करके घी बना देते हैं। हम लोग दूध के समान हैं, एक ही दिन में खराब होने वाले, लेकिन महात्मा हमें ऐसी शिक्षा देते हैं कि दूध से घी बना देते हैं, ठाकुर जी से जोड़ देते हैं। ये दुनिया पागल खाना है, यहां पागल आते जाते हैं, आते हैं पागल। हमें हाथ खड़ा हो, कौन कौन पागल है? वैसे आपको कोई ना मार्केट में पागल बोल दे, आप जूती उतार लोगे उसी समय, है ना? घर में कोई पागल बोल दे तो क्या हाल होगा? ये दुनिया पागल खाना है, यहां पागल आते जाते हैं। कोई पागल दौलत शोहरत का, कोई पागल है नर नारी का, कोई पागल दौलत शोहरत का, कोई पागल है नर नारी का, पर असली पागल वो यारो जो पागल बांके बिहारी का। बोलिए बांके बिहारी लाल की। असली पागल है वो जो पागल हो गया इसके नाम में। गांव वालों की नजर शहर पर है, गांव वालों को लगता है कि शहर वाले बड़े अच्छे हैं, वो बहुत सुखी हैं। गांव वालों की नजर शहर पर है, शहर वालों की नजर कहां पे? विदेश। शहर वालों की नजर विदेश पर है, गांव वालों की नजर शहर पर है, शहर वालों की नजर विदेश पर है, विदेश वालों की नजर सिर्फ अपने काम पर है, विदेश वालों की नजर सिर्फ अपने काम पर है। सुखी कोई भी नहीं, सुखी सिर्फ वही इंसान है जिसकी नजर घनश्याम पर है। अपनी नजर को, अपने मन को ठाकुर जी से जोड़ो। आने वाले 1 घंटा 60 मिनट हमारे दिल के दरवाजे को दस्तक देने वाले हैं। अगला 1 घंटा हमारे दिल के दरवाजे को दस्तक देगा, जो जोड़ेगा। अब आपके हाथ में है, कुछ लेके जाना है या नहीं लेके जाना? सत्संग किस्मत वालों को मिलता है, या फिर ये कह लो कि सत्संग में किस्मत वालों को आनंद आता है, वरना चुगली पे तो सबको ही आनंद आता है। चुगली में कौन है जिसको आनंद नहीं आता? एक बार शुरू करो, टाइम ही नहीं पता चलता। और सत्संग में जिसको आनंद नहीं आता वो क्या प्रॉब्लम है पता है आपको? किसी को फीवर हो, बुखार हो किसी को, कभी ना कभी हर इंसान को बुखार जरूर हुआ होगा। बुखार हो तो जुबान कड़वी हो जाती है, होती है जी? बुखार हो तो जुबान कड़वी हो जाती है, उसे कुछ भी मिष्ठान खिलाओ, मीठा खिलाओ, बर्फी, जलेबी, रसगुल्ला, तो उसे कड़वा ही नजर आता है। क्यों क्यों नजर आता है कड़वा उसे? हाँ जी बोलिए। क्योंकि उसके भीतर बुखार है, उस बुखार की वजह से उसे हर चीज का टेस्ट कड़वा नजर आ रहा है। और सत्संग में जब आनंद ना आए तो समझ लेना अभी भीतर पाप का बुखार है। सत्संग सबसे बड़ा मीठा है, अगर जी अच्छा नहीं लग रहा तो अभी भीतर पाप का बुखार कहीं छुपा हुआ है। इस पाप के बुखार को निकालना है। कैसे कैसे कैसे? इंजेक्शन में छोटा सा छेद होता है ना, इंजेक्शन में
बहुत छोटा सा छेद होता है, लेकिन किसी को लगा दिया जाए तो बहुत प्रभावशाली होता है। छेद इंजेक्शन की बहुत छोटा सा छेद होता है, लेकिन किसी को लगा दिया जाए तो इतना प्रभावशाली होता है कि भीतर की बीमारी को खत्म कर देता है। यही काम महात्माओं का है। बात तो छोटी सी होती है महात्माओं की, इंजेक्शन की तरह अगर समझ आ जाए तो भीतर से पाप का बुखार एकदम खत्म हो जाता है। बात समझ आ जाए, देखो पाप करना नहीं पड़ता, कभी भी पाप करना नहीं पड़ता, अपने आप हो जाता है। आप सोचो मैं पाप करने जा रहा हूं, होता है? पाप करना नहीं पड़ता, अपने आप हो जाता है। और पुण्य अपने आप कभी नहीं होता, करना पड़ता है। और भगवान से प्रेम करो बिना स्वार्थ का प्रेम। ये नहीं कि लिस्ट लेकर जाना है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे लिस्ट नहीं लेकर जाने। मुझे क्या चाहिए? आज एक बात मांगनी है प्रभु से कि प्रभु मुझे जैसा भगवान चाहिए था, मुझे जैसा भगवान चाहिए था वैसे तुम मुझे मिल गए। सबने एक प्रार्थना करनी है भगवान से, प्रभु मुझे जैसा भगवान चाहिए था वैसे तुम मुझे मिल गए, और आपको जैसा बच्चा चाहिए वैसा मुझे बना दो। और कुछ नहीं मांगना बस, आपको जैसा भक्त चाहिए वैसा मुझे बना दो, और जैसा मुझे भगवान चाहिए था, मुझे पिता चाहिए था वैसे आप मिल चुके हो। फिर देखना आनंद जीने का, क्या मजा आएगा जीने का। कभी इसके सामने बिना मांगे बस इसको देखते रहना, फिर क्या होगा? पागलपन छा जाएगा, ऐसे लगेगा कि हम इस दुनिया में आए या किसी और दुनिया में। बस स्वार्थ के बिना इसको भगवान के रूप में नहीं देखना, एक दोस्त के रूप में देखना। नी में कमली होई, नी में कमली होई, नी में कमली होई, कमली होई, नी में कमली होई, नी में कमली होई, नी में कमली होई, नी में कमली होई। रूप सलोना देख शाम का, रूप सलोना खुद बुद्ध अपनी खोई, नीम कमली होई, नीम कमली होई, नीम कमली होई, नीम कमली होई। यमुना के तट पर लेकर पहुंची मटकी, सखी मन घट पर यमुना के तट पर लेकर पहुंची मटकी, सखी पन घट पर यमुना के तट पर लेकर पहुंची मटकी, सखी पन घट पर यमुना के तट पर लेकर पहुंची मटकी। भूल गई सब एक बार में छवि देखी नट खट की, तब भूल गई सब एक बार में अभी देखी नट खट की। देखते ही मैं हुई बावरी, देखते ही मैं हुई बावरी, रूप उसी में खोई, नीम कमली होई, नीम कमली होई, नीम कमली होई, नीम कमली होई। रूप सलोना देख शाम का, रूप सलोना देख शाम का, सुध बुध अपनी खोई, नीम कमली होई, नीम कमली होई, नीम कमली होई, नीम कमली होई। Thank you.
नीचे खड़ा था नंद का लाला, कदमों के नीचे अखियां मीचे खड़ा था नंद का लाला, कदमों के नीचे अखियां मीचे खड़ा था नंद का लाला, कदमों के नीचे अखियां मीचे खड़ा था नंद का लाला, मुख पर हंसी हाथ में बंसी मोर मुकुट गलमाला, मुख पर हंसी हाथ में बंसी मोर मुकुट गलमाला, तान सुरीली मधुर नशीली, तान सुरीली मधुर नशीली, तन मन दियो बिगोई, रूप सलोना देख शाम का, रूप सलोना देख शाम का, सुध बुध अपनी खोई कमली हो, जय जय पल को से हर कोई देवे ताने, सास ननंद मोहे हर पल को से हर कोई देवे ताने, सास ननंद मुझे पल पल को से हर कोई देवे ताने, सास ननंद मोहे पल पल को से हर कोई देवे ताने, बीत रही मुझ बिरबन पर जे और कोई ना जाने, बीत रही मोहे सब निर्दोष बावरी, पूछ सब निर्दोष बावरी, तट पे तू क्यों खोई बिन कमली हो, ओ बिन कमली हो, बिन कमली हो, ओ बिन कमली हो, रूप सलोना देख शाम का, रूप सलोना देख शाम का, सुध बुध अपनी खोई बिन कमली हो, ओ बिन कमली हो, मंद मंद मुस्काए, सावन सूरत मोहिनी मूरत मंद मंद मुस्काए, हाथ में कंगन पाँव में पायल नजरे तीर चलाए, हाथ में कंगन पाँव में पायल नजरे तीर चलाए, बाके की ये बाकी मूरत, बाके की ये बाकी मूरत देख दीवानी होई, शाम दे कमले उन्हें में कमले, शाम दे कमले उन्हें में कमले, उन्हें में कमले, उन्हें में कमले, उन्हें में कमले, शाम दे कमले, कमले 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 शाम दे कमले, बोलिए।
वृंदावन बिहारी लाल की जय। जुगल जोड़ी सरकार की जय। जय श्री राधे। आइए आज की वाणी को विश्राम देते हैं। सभी अपने अपने स्थान पर बैठकर दिव्य प्रसाद ग्रहण करेंगे। दिव्य प्रसाद आप सब लोगों को पता है आश्रम की तरफ से निशुल्क सेवा है, हर बड़े से बड़े रोग से मुक्त करेगा। कब तक? जब तक ये निशुल्क सेवा है, किसी का स्वार्थ नहीं। जब इसमें किसी का स्वार्थ आना शुरू हो गया तो स्वार्थ वाला प्रसाद काम नहीं करेगा। आप देखो बड़े से बड़े रोग दूर हो रहे हैं। क्यों? ऐसे कष्ट जिन लोगों को डॉक्टर ने बोल रखा था कि इसकी डायलिसिस कभी बंद नहीं हो सकती, इसकी बाईपास सर्जरी होगी, इसको मधुमेह रोग है, शुगर रोग है, कभी ठीक नहीं होगा। ऐसी ऐसी माताएं हैं जिनको एक एक महीना नींद तक नहीं आती थी, कैसे ठीक हुए? ठीक कैसे हुए? आपके भाव से, संस्थान की निस्वार्थ सेवा और आपका भाव दोनों चाहिए। जब तक ये सेवा निस्वार्थ चलती रहेगी, हर बड़े से बड़े रोग से मुक्त करती रहेगी। लेकिन जब किसी ना किसी रूप में इसमें स्वार्थ आ गया तो ये काम नहीं करेगी। बस इसको अब लेते समय और सुबह ग्रहण करते समय क्या मांगना है? सब एक साथ फिर एक बार क्या मांगना है? प्रभु सबका भला करना। एक ये तो अपना जिंदगी का रूटीन बना लो। सारी जिंदगी खुद के लिए मांगते हो, इसीलिए हम दुखी रहते हैं। ये सबसे बड़ी परेशानी है हमारी। क्यों दुखी है? क्योंकि खुद के लिए मांगना सीखा है। प्रभु मुझे तो दुनिया जाए भाड़ में, प्रभु कहते दुनिया जाए ना जाए तू गया। हर समय किसी का भला मांगना है, भला करना है। संस्थान में एक आश्रम, एक संस्था चल रही है नरसेवा नारायण सेवा, विश्व प्रेम मिशन परिवार द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें खूब बुजुर्ग महिलाएं जिनके आगे पीछे कोई नहीं, मैं उनकी आंखों को देखता हूं तो कभी कभी मेरा भी मन भर जाता है कि इन बुजुर्ग महिलाओं ने कितनी मन्नत मांग के उन बच्चों को लिया होगा। राधे राधे भक्तजनों, आज है हम श्री प्रेम धाम आश्रम, जहाँ की खास बात है दिव्य प्रसाद। दिव्य प्रसाद जिसने ना सिर्फ लोगों की डायलिसिस बल्कि ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियाँ भी दूर की हैं। इस दिव्य प्रसाद की खास बात यह है कि ये श्री प्रेम धाम आश्रम में निःशुल्क मिलता है। इसकी शुद्धता पे खास ध्यान दिया जाता है। दिव्य प्रसाद के साथ साथ गुरु जी के प्रवचनों का भी लोगों पे बहुत ही असर देखा गया है। तो आइए जानते हैं कुछ श्रद्धालुओं से कि उनके जीवन में गुरु जी के प्रवचनों और दिव्य प्रसाद का क्या असर हुआ है। मुझे ना बहुत रिलैक्स फील होता है वो खाकर, मतलब जितनी भी टेंशन है वो सब खत्म हो जाती है। मतलब जो भी मेरी इंटरनल इंजरी थी वो सब ठीक हो रही है। मतलब मुझे मेडिसिन की जरूरत नहीं है अब। पहले पापा ना बहुत दवाई खाते थे, पेट की तकलीफ थी, उसने बहुत दवाई खाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फ़र्क पड़ा लेकिन डॉक्टर कहते ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, नहीं ठीक हुआ। फिर मैंने कहा, पापा तो आते नहीं थे, मैंने कहा कि पापा चलो दिव्य प्रसाद के लिए आप जाओ, मैंने कहा कोई बात नहीं आप ठीक हो जाओगे। तो आप प्रसाद खा रहे हैं, जैसे जैसे प्रसाद खा रहे हैं वैसे वैसे अब चीज़ पच रही है। पहले चीज़ कोई नहीं पचती थी, जैसे खाते थे। सेहत में सुधार आ रहा है? जी जी, सेहत में सुधार आ रहा है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जैसे मेरे पापा ठीक हुए हैं वैसे सब लोग ठीक हो जाएंगे, मैं यही कहना चाहती हूँ। अभी तो ठीक है, खाना हम नहीं खाते थे, भूख भी नहीं लगते थे, अब खाने अच्छा लगने लगे, खाने लगे, नहीं तो एक सप्ताह तक मैं कुछ नहीं खाती। दिव्य प्रसाद से खाने से, सबसे पहले मेरे हस्बैंड को कैंसर की प्रॉब्लम थी तो उनकी साथ कीमो हो चुकी है, उसके बाद ऐसा हो रहा है भाई कीमो ही नहीं हो रही उनकी, कोई ना कोई प्रॉब्लम। तो उसी सेकंड मेरी सोराइसिस की प्रॉब्लम थी जी। तो वो सोराइसिस की प्रॉब्लम, अब मैं दूसरी बार आई हूँ तो दूसरी बार मेरे हाथ बिल्कुल ठीक हो गया। मेरा सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है, हम लोग अमृतसर से आए थे, अमृतसर से आए हम यहाँ आए जिस टाइम, तो हमें आश्रम में आने के लिए सबसे पहले ऑफिस में से हमें कमरा खोल के दिया गया। सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है, कहीं भी चले जाओ ऐसा नहीं मिलेगा।
कमरा खोला उन्होंने, जबकि हम अननोन थे बंदे, उन्होंने कमरा खोल के दिया। उसके बाद हमें खाने का अरेंजमेंट नहीं था, यहाँ पे खाना खत्म हो चुका था। उसके बाद भी यहाँ सीमा लड़की लगी हुई है कुक, उसने हमें खाना दिया, खिलाया, हम आराम से रहे, मतलब बहुत अच्छा लगा यहाँ का सफर। हाँ, और स्वामी जी के आश्रम इसका सत्संग का तो कहना ही क्या, बहुत अच्छा है। मैं एक बार आई थी अपने पापा के साथ, तो मैं लेके गई थी, लेकिन उन्होंने उसे ग्रहण किया है, तो उनके नीज में पहले प्रॉब्लम थी, अब 75% वो ठीक है। जीवन में बहुत बदलाव आए, मेरी दवाइयाँ चल रही थी वो सारी खत्म हो गई हैं। हाँ जी, तो प्रसाद से बहुत फर्क पड़ा है। किस चीज़ की दवाइयाँ? मेरे पेट में प्रॉब्लम थी, उसकी दवाई चल रही थी, तो बिल्कुल बंद हो गई है। बहुत बदलाव आया, घर च शांति है, सब कुछ है, पर मतलब जो भी चीज़ है वो भी सब ठीक है। हमारे को ना जोड़ों से दर्द होता सगा, तो वह हूँ जिदन का प्रसाद खाण लगे ना, उदन का बिल्कुल फर्क है। हाँ, अच्छा है। मतलब मेरे को कई प्रॉब्लम थी, जैसे बॉडी में पेन होती थी या कुछ ऐसे, जैसे साइड में मेरे उसमें बगल में पेन होती थी, तो वो सब उससे काफ़ी मतलब मेरे को अब राहत है, काफ़ी फ़र्क है। मेरे जैसे पेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती थी, इससे मेरे को काफ़ी फ़र्क हुआ और काफ़ी अच्छा लगा इस वर्षा से, जब से खा रही हूँ 5-6 महीने से, बहुत अच्छा लगा। हाँ, सारी तारीख दूर। तो ये थे कुछ भक्तजन जिनसे बातचीत के दौरान पता चला है कि गुरु जी के प्रवचनों ने और दिव्य प्रसाद के कारण उनकी बीमारियां दूर हुई हैं, उनकी नेगेटिविटी दूर हुई है, उनके घर में पॉजिटिविटी आई है। महामंडलेश्वर स्वामी मुकेशानंद गिरी जी महाराज के मुखारविंद से सुखी जीवन प्रवचन और दिव्य प्रसाद वितरित समारोह एवं गुरु मंत्र दीक्षा हर रविवार श्री प्रेम धाम आश्रम में। कार्यक्रम गुरु मंत्र दीक्षा प्रातः 11:30 बजे, सुखी जीवन प्रवचन 12:30 बजे। सत्संग के दौरान ही दिव्य प्रसाद भक्तों में वितरित किया जाएगा। बाहर से आए हुए भक्तों के ठहरने की व्यवस्था श्री प्रेम धाम आश्रम में ही होगी। आप सभी भक्तजन सादर आमंत्रित हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7851810008। राधे राधे प्रिय भक्तजनों, सब प्रेम प्रेमियों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे। इससे पहले कि जीवन चूके, इससे पहले कि सब कुछ छूटे, इससे पहले कि जीवन लगने लगे बला, आओ सब मिलकर सीखते हैं जीवन जीने की कला। श्री प्रेम धाम प्रांगण में हर रविवार दोपहर 12:30 बजे सुखी जीवन प्रवचन एवं दिव्य प्रसाद वितरित समारोह रविवार को दोपहर 12:30 बजे से हरी इच्छा तक। बहुत से लोग आश्रम में कॉल कर रहे हैं कि आश्रम में रुकने की क्या व्यवस्था है, उनको बता दूं कि आश्रम में हर प्रकार की रुकने की व्यवस्था है। आप 1-2-4 दिन पहले आकर आश्रम में रुक सकते हैं, रहने खाने पीने हर चीज़ की व्यवस्था है। और जो लोग दिव्य प्रसाद मंगवाने के लिए कॉल कर रहे हैं, उनको भी बता दूं कि दिव्य प्रसाद हम डाक द्वारा नहीं भेज सकते, क्योंकि इसकी शुद्धता का विशेष ध्यान रखा गया है। और डाक द्वारा कोरियर द्वारा भेजा जाएगा तो कहाँ कहाँ रखा जाएगा आप सब लोग जानते हैं, इसलिए हम इसे डाक द्वारा नहीं भेज सकते। हर रविवार सत्संग के दौरान प्रेम धाम आश्रम में। जय श्री राधे, जय श्री प्रेम धाम। हृदय में जिनके कृष्ण नाम बसा है, कृपा से जिनकी प्रेम धाम बसा है, चरणों में जिनके परमानंद मुकेशानंद महाराज मुकेशानंद।